ऑलराइट दोस्तों एंड सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। एंड फिर से बात करेंगे दिवाली स्क्वाड कप के बारे में। अब इसके बारे में तो बात ही करते रहेंगे क्योंकि स्टार्ट हो चुका फाइनली एंड सब लोगों ने खेलना भी स्टार्ट कर दिया होगा। एंड आप लोगों ने खेलना स्टार्ट किया कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और कैसे आपके गेम जा रहे हैं मुझे ये भी बता देना। आप देखो यार, दिवाली स्क्वाड कप यहाँ पे चल चुका है, लेकिन अभी भी काफी लोग के डाउट है कि भाई हमें यहाँ कितने बुइया करने पड़ेंगे, कितने किल्स करने पड़ेंगे, तब जाके हमें ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे जो डायमंड्स मिल रहा है ये कब जाके हमको मिलेंगे, कितने किल कितने बुइया करने पड़ेंगे, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और कैसे हम लोग जीत सकते हैं यहाँ पे डायमंड्स, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। एंड चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे टॉप पे टीम है भाई, ये वाली टीम है जिसने भाई सबसे ज्यादा किल किए हैं। एंड इसके पॉइंट्स आप लोग देख सकते हो, यार ये बंदे का लेवल काफी कम लग रहा है। एंड मुझे टीम वैसी वाली लग रही है, समझ जाओ कि भाई मतलब जादूगर लोग लग रहे हैं मुझे तो ये। एंड यहाँ पे जितने मैं इनके नाम चेक कर पा रहा हूँ, इनके नाम बड़े नूब नूब जैसे हैं, लेकिन इनका ऊपर स्कोर आ रहा है, तो आई गेस ये जादूगर वाली स्क्वाड है पूरी। एंड जादूगर का मतलब समझते हो ना, तो वैसे वाले बंदे आ गए भाई, और उन लोगों ने शायद यहाँ पे बंदों को मार दिया है। और इनके एलिमिनेशन देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, स्कोर भी काफ़ी हाई है टॉप वन पे अभी, तो ये तीन टीम ऊपर देख ही सकते हो। लेकिन ये बंदे लग नहीं रहे कि भाई इतना अच्छा खेलते होंगे, इनकी आईडी वगैरह देख रहा हूँ मैं और इनके नाम वगैरह देख रहा हूँ, तो मतलब हाँ मतलब उतना लग नहीं रहा। बाकी आप लोग बताओ आप लोगों ने कितने बुया किए, कितने किल किए। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बुया वगैरह करने के लिए, किल वगैरह करने के लिए, आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। आपको ना ऐसी जगह पे लैंड करना जहाँ पे कोई ना उतरता हो, ये तो आपको पता ही होगा। एंड साथ ही में एक बंदे को ऐसी जगह रखो, मतलब कि वेंडिंग मशीन पे रखो, एंड उसको उसको बोलो कि भाई फटाक से रिवाइव दे दे, एंड जितने टोकन हो सके भाई कलेक्ट करो, और तीन बंदे एक साथ गाड़ी में घूमते रहो कहीं पे, और जैसे कोई बंदा मिले, मतलब एक दो बंदे मिले तो उतरो और भाई बजा दो बंदे को, ऐसे आप लोगों को करना। अगर कोई पूरी स्क्वाड है तो मत उतरना भाई गाड़ी से, एकदम निकल लेना चुपके से। यहाँ पे आपको टोटल 40 मैच खेलने हैं, जिनमें से 20 मैच अच्छे निकालने हैं जिनके स्कोर काउंट होंगे, तो आपको अच्छा अच्छा खेलना भाई, ठीक है यहाँ पे। एंड उसी के साथ आप लोग को यहाँ पे रिवॉर्ड्स कम मिलेंगे, तो भाई मतलब 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक यहाँ पे सारे मैच देखे जाएंगे, सॉरी 31 तारीख तक ही मान लो। एंड 31 तारीख तक आप लोग को यहाँ पे जितने भी मैच है वो सब कुछ आप लोग खेल सकते हो। फिर 31 तारीख के दिन गरीना चेक करेगी कि भाई तुम लोगों ने कैसा खेला है, एंड कोई बंदे ने कुछ ऐसा कुछ लगाया तो नहीं है आईडी में अपनी, एंड कोई जादूगर तो नहीं आया, तो उन सब का गेम प्ले वगैरह चेक करेगी और टॉप वन पे कौन है। फिर आप लोग को एक तारीख को यहाँ पे रिजल्ट्स पता चलेंगे कि भाई कौन बंदा जीता है यहाँ पे 50,000 डायमंड, 30,000 डायमंड और 10,000 डायमंड। बाकी दोस्तों मैप के अंदर भाई अलग अलग मत भागना, सब लोग साथ में रहना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदा कहाँ जा रहा, कोई बंदा परगेट्री में है, कोई बरमूडा में है, सब लोग साथ में रहना भाई, और थोड़ा सीरियस लेना। एक टूर्नामेंट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप टूर्नामेंट खेलोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों काफ़ी लोग का ये भी डाउट है कि भाई अगर किसी का इंटरनेट खराब है, किसी का मतलब बैक हो जाता है, पिंग वगैरह हाई होता है, तो क्या होगा। तो भाई आप अगर अपनी टीम में बैक करते हो, इंटरनेट वगैरह कुछ भी होता है, कुछ भी इशू होता है, तो आपके पॉइंट्स यहाँ पे माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको बैक नहीं करना है, और इंटरनेट का अच्छा ध्यान रखना, अपने टीममेट को बोल देना कि भाई वाईफाई लगा लो या कुछ भी कर लो, लेकिन भाई अपना इंटरनेट सही से रखना, ठीक है। एंड दोस्तों अभी हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं कि भाई हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स कितने किल पे मिलेंगे, कितने बुइया करने पे क्या मिलेगा, वो चलो बात कर लेते हैं। तो देखो आप अगर यहाँ पे बुइया करते हो, फर्स्ट नंबर पे आते हो, तो आपको 12 पॉइंट मिलेंगे, एंड अगर सेकंड नंबर पे आते हो आपको 9 पॉइंट मिलेंगे, थर्ड नंबर पे भी आपको यहाँ पे 9 पॉइंट ही मिलेंगे, और फोर्थ नंबर पे आते हो तो आपको 7 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप लोग लास्ट में आते हो तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, मतलब अगर 11वें नंबर पे भी आओगे तो भी आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसा आप लोग सारा कुछ देख सकते हो, एंड आप ट्राई करना कि बुइया ही करो भाई, तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, और किल एक किल करने पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो भाई आप लोग हर एक बंदे को मारोगे तो 1 किल मिलेगा, तो आप लोग किल पे भी ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। अब काफ़ी लोग का डाउट ये होगा कि भाई हमें टोटल कितने किल चाहिए होंगे यहाँ पे ये गेम जीतने के लिए। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इतने किल चाहिए, इतना स्कोर चाहिए, आपको यहाँ पे सबसे अच्छा खेलना, अच्छा परफॉर्म करना, ये तो रिजल्ट्स के दिन ही पता चलेगा कि किसने कितना स्कोर किया। यहाँ पे जो टीम आ रही थी अभी देखो, वो टीम नीचे चली गई, अभी दूसरी टीम ऊपर आ गई है, तो ऐसे टीम बदलती रहेगी, और आपको यहाँ पे ज़्यादातर मतलब अच्छा खेलना है और अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टीम्स का ऊपर नीचे होती रहेगी, ऊपर नीचे पॉइंट होते रहेंगे, और आपको इनसे ज़्यादा पॉइंट करने, ज़्यादा स्कोर करना है। कैसे कर पाओगे, बुइया करना है और किल करना है, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। तो यहाँ पे टोटल तीन टीम्स को मिलेंगे डायमंड्स, एंड भाई मस्त है यार। लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पे डायमंड नहीं मिलता तो कैसे आप लोग फ्री में डायमंड ले सकते हो, मैं आपको दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। हाँ भाई, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप लोग फ्री में डायमंड ले पाओगे। अब देखो यार, मैंने ना इस ट्रिक से फ्री में डायमंड ले लिया है, एंड काफ़ी लोगों ने इस ट्रिक से फ्री में डायमंड लिया, तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो अभी आप भी ले सकते हो भाई। दिवाली चल रहा है इसलिए इस ट्रिक से फ्री में डायमंड सभी को मिल रहा है, और एकदम रियल ट्रिक है, आप लोग को भी डायमंड मिल जाएगा, एक बार ध्यान से देख लो। तो देखो फ्री में डायमंड के लिए क्या
करना। ये वीडियो आप देख रहे हो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और कमेंट सेक्शन है दोनों ही जगह मैंने एक लिंक लगा रखा है। किसी भी लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको विंजो ऐप दिखेगा, इसे आपको डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल वगैरह करके ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक नंबर डालना है। अब नंबर वो वाला डालना जो आपने पहले कभी विंजो ऐप में नहीं डाला। अब ऐसा क्यों मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नंबर डालने के बाद आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपके सामने बहुत सारे गेम आएंगे इस ऐप में। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी गेम खेल लेना है जो भी आपको पसंद है। मुझे मेट्रो वाला पसंद है, चलो मैं इसको खेल लेता हूँ। आपको पूरा गेम खेलना है मेरी तरह। अब पूरा गेम खेलने के बाद आपको यहाँ पे देखो 550 रुपए मिल जाएंगे। अब ये 550 रुपए मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैंने विंजो में जब लॉगिन किया था तब नया नंबर डाला था। तो आपको भी लॉगिन करते टाइम नया नंबर डालना है, और अगर आपके पास नया नंबर नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का नंबर डाल सकते हो, मतलब वो नंबर डालना जिससे आपने कभी विंजो लॉगिन नहीं किया। अब देखो 550 रुपए मिल गए। अब इसका करना क्या है, आप लोग को यहाँ पे विंजो स्टोर में आना है। विंजो स्टोर में आने के बाद फ्री फायर पे क्लिक करके आप लोग टॉपअप कर सकते हो चाहो जितने डायमंड्स का। एंड अगर आपको यहाँ से टॉपअप नहीं करना, आपको खुद से टॉपअप करना, तो आपको क्या करना है, लास्ट में आना है, यहाँ पे विड्रॉल वाला सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ से अपने पैसे विड्रॉल कर लो फोन पे में, एंड भाई वहाँ से अपना फ्री फायर में खुद से टॉपअप कर लो। तो देखो ये ऑफर इसलिए हम लोग को मिल रहा है क्योंकि अभी फ्री फायर का और विंजो का कोलैब हुआ, क्योंकि दिवाली इवेंट आने वाला है। तो भाई ये सबसे मस्त तरीका फ्री फायर में टॉपअप करने का, आपके खुद के पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका टॉपअप भी हो जाएगा। भाई सब लोग यहाँ से ऐसे ही लूट रहे अभी के टाइम में डायमंड पैसे, तो भाई आप लोग भी जाओ लूटो। मैंने खुद यहाँ से टॉपअप कर लिया भाई।